कर्नाटक चुनाव में जनता करेगी खेल, बीजेपी कांग्रेस में होगी कांटे की टक्कर, लेकिन किंग मेकर बनेगी ये पार्टी। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया गया है। अब सभी पार्टी राज्य में होने वाले चुनावी संग्राम के लिए रण में न सिर्फ कूद गई हैं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बयानों से वज्र प्रहार भी कर रही हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब इन नतीजों में कौन बाजी मारेगा, ये तो अभी वक्त के गर्भ में छुपा है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पार्टियां एक दूसरे को मात देने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। हालांकि अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो यहाँ हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होने वाला है और इसके लिए राज्य का जाति फैक्टर अहम रोल अदा करने वाला है। जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ जेडीएस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और AIMIM भी अकेले मैदान में है, लेकिन राज्य के मौजूदा जाति समीकरण कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 6.11 करोड़ है। इनमें सबसे ज्यादा हिंदू 5.13 करोड़ यानी 84% हैं। इसके बाद मुस्लिम हैं जिनकी जनसंख्या 79 लाख यानी 12.91% हैं। राज्य में ईसाई 11 लाख यानी लगभग 1.87% हैं और जैन जनसंख्या 4 लाख यानी 0.72%। लेकिन खास बात यह है कि कर्नाटक का लिंगायत सबसे बड़ा समुदाय है, इनकी जनसंख्या करीब 17% है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय वो कालिगा है जिसकी आबादी 12% है। राज्य में कुर्बा 8%, SC 17%, ST 7%। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अग्रणी जातियों में गिना जाता है। लिंगायत और वीर शैव कर्नाटक के दो बड़े समुदाय हैं। इन दोनों समुदायों का जन्म 12वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के चलते हुआ था। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में सत्तारूढ़ बीजेपी अपने दम पर मैदान में है। वहीं राज्य में JDS और BRS गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव के बाद कांग्रेस और JDS की गठबंधन सरकार बनी थी, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा राज्य में आम आदमी पार्टी AIMIM भी अकेले ही चुनावी रण में उतर रही है। वहीं राज्य की दलित आबादी के वोट आमतौर पर सभी दलों में विभाजित होते हैं, हालांकि कांग्रेस इन वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाब होती है। दूसरी ओर मुसलमानों का वोट आमतौर पर कांग्रेस और JDS के बीच बढ़ जाता है। लिंगायत समुदाय कई वर्षों से बीजेपी को वोट देता रहा है, वो कालिगा वोट शेयर आमतौर पर कांग्रेस और JDS को मिलता है। बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। 2018 की तरह जनता दल S एक त्रिशंकु विधानसभा बनाना चाह रही है ताकि वो किंग मेकर की भूमिका निभा सके, जैसा कि उसने कई बार किया है। मौजूदा हालात को देखते हुए 2018 और 2023 के चुनाव में कई समानता हैं। सभी दल जातियों को साधने में लगे हैं। बीजेपी हिंदू और लिंगायत वोटों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बल पर वापसी की उम्मीद कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।